हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा और पढ़िएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। ठीक है ना, तो जो रक्त है ना उसको शुद्ध कौन करता है, तो उसको जो शुद्ध करता है ना वो क्या होता है, किडनी। किडनी किडनी का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, आपका जो ब्लड होता है उसको प्योर बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर का क्या दिया हुआ है, कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है ना, जो कि आपका इंटरनल बॉडी पार्ट सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये हमसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर में क्या, यकृत जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या होता है, आंतरिक भाग होता है क्या, लीवर। ओके, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, तो जो मानव शरीर का सबसे भारी अंग होता है ना वो क्या होता है, लीवर। क्या होता है, लीवर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यकृत में। कहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, यकृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ठीक ना, यहाँ पे जो आपके गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो जो मानव के गुणसूत्र है ना उनमें क्या होती है, उसमें आपका 23 जोड़ा होता है और 23 जोड़े में कितने हो गए, 46 आपके हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण क्या दिया हुआ है, लाल रक्त कण जीवन काल इसका कितना होता है, तो जो ये लाल रक्त कण है ना इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं ना, आरबीसी बोलते हैं, आप सब जानते होंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है, तो इसका आपसे टाइम पूछा ना कि इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन इसका टाइम होता है। ठीक ना, इतने दिन तक ये रहेगा, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, सेल्स डेड होने के बाद नया सेल अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो जो मानव शरीर में ना सबसे जो कठोर तत्व है, सबसे जो कठोर हार्ड भाग है ना वो क्या है, वो होता है एनामल। क्या होता है, एनामल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एनामल होता है ना ये क्या होता है, हमारे टीथ में, तो जो ये टीथ है ना, टीथ क्या होता है, सबसे ज्यादा मजबूत भाग होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको मार्क करना है क्योंकि ये बहुत ही बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब कितना हो जाएगा, 639 जो मांसपेशी है वो संख्या है, किसमें, मानव शरीर में। ठीक है, राइट। अगला, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है ना, तो आपको बता दूं मैं कि जो पीएच होता है ना, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो पीएच का मतलब ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि जो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे जो ह्यूमन का ब्लड है ना उसका पीएच मान कितना होता है, तो अगर मैं बात करूँ इसके पीएच मान का, तो वो कितना होता है, 7.4, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है ना, क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये हमें बताना है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, स्टेपिज। और ये जो स्टेपिज है ना वो कहाँ पे होता है, ये हमारे ईयर में होता है, कान में। ठीक है, कान में क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। ओके, अगला देखते हैं क्या है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी, सॉरी मांसपेशी क्या है, तो जो ह्यूमन का बॉडी है ना उसमें जो सबसे स्ट्रांग आपका मसल है, सबसे मजबूत मांसपेशी है, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मासेटर। क्या हो जाएगा, मासेटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है कि कौन सा उत्तक हड्डी का मांसपेशी से जोड़ता है। ठीक ना, आपको बोझा है कि इसमें से कौन सा टिश्यू है, कौन सा उत्तक है जो आपका बोन से मसल को जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, टेंडन। क्या हो जाएगा, टेंडन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन क्या है
कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। ये आपको बताना है कि जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 90% होता है। कितना होता है, 90% आपका जल होता है किसमें, प्लाज्मा में, राइट। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो जो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है ना, वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 60%। कितना होता है, लगभग 60%। 60% क्या होता है, जल की मात्रा होती है ह्यूमन बॉडी में, ओके। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ठीक ना। क्या पूछा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है ना। सर्वग्राही मतलब क्या होता है, जो सबको ब्लड अपना दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, एबी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, एबी पॉजिटिव, ठीक ना, ये आपका ब्लड ग्रुप है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है ना, वो क्या होता है, वो होता है त्वचा। क्या होता है, त्वचा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठी होते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, मनुष्य के हृदय में जो मनुष्य ना, जो ह्यूमन है, उसके हार्ट में कितने कोष्ठी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, चार। कितने होते हैं, चार कोठी होते हैं, मतलब चार द्वार होते हैं। कुछ ये इस टाइप से बना होता है, मैं एक प्रयास करता हूँ एक बार, आपका ऐसे करके बना होता है ना, ऐसे करके कुछ इस टाइप से बना होता है, अगर आप ध्यान देखे तो, ओके। तो ये जो वाल्व है ना, वाल्व होता है, उसे बोलते हैं, जो कोष्ठी है ना, उसे बोलते हैं वाल्व। तो आपका चार वाल्व होता है ना मनुष्य हृदय में, ओके। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है ना, जो ह्यूमन का बॉडी है ना, उसमें सबसे बड़ा जो सेल है, उस सेल का नाम क्या है ना। तो ये आपको बताना है कि जो मानव ह्यूमन है, सॉरी यहाँ पे जो मानव शरीर है ना, उसमें सबसे बड़ी जो कोशिका है, उसका नाम क्या है। तो उसको हम बोलेंगे तंत्रिका कोशिका। क्या बोलेंगे भैया, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, राइट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है ना। तो यहाँ पे जो पीएच लिखा हुआ ना, पीएच, ये जो पीएच लिखा हुआ ना, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि जो मानव का मूत्र होता है ना, यूरिया होता है, उसमें जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 6। कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका पूछ दे। उसके बाद क्या है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो ये हमें बताना है कि जो मानव शरीर है उसमें अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, 20। तो जो अमीनो अम्ल होता है ना, जो अमीनो एसिड होता है, वो कितना होता है मानव ही, तो जो ह्यूमन के बॉडी होता है ना, उसमें जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है ना, वो कितनी होती है, 20 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन ना, वो क्या है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा ना। अगर मैं बात करूं लार की, जो उसके बोलते हैं सालिवा, ठीक ना, तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक ना। तो मतलब इसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है और टाइलिन। ये दो प्रकार के एसिड हमारे जो लार है ना, सालिवा, उसमें पाए जाते हैं, ओके। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमन बॉडी में एक बोन्स का नेम है जिसकी टिबिया बोन है ना, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैर। तो पैर में क्या होता है, टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है, ओके। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ना, वो क्या है, पढ़ते हैं, लिंग निर्धारण आधार होता है। तो बताइए किसके आधार पर होता है, यह हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में रक्त, क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण कितना समय लगता है ना। जब मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण होता है ना, तो उसमें कितना टाइम लगता है, ये आपको बताना है, ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 23 सेकंड लगता है। जब क्या होता है कि मानव शरीर में जो रक्त का परिभ्रमण होता है ना, कितना समय लगता है, 23 सेकंड लगता है, राइट। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि मनुष्य का हृदय, जो ह्यूमन का हार्ट होता है ना, वो कितनी बार धड़कता है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 72 बार पर मिनट। मतलब कि एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ओके। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ना, वो क्या है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है ना, जो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसका जो यंत्र है ना, वो किससे हम मेजर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं स्टेगमोमैनोमीटर, ओके। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ये आपको बताना है कि जो भोजन की पाचन क्रिया होती है ना, वो कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये बता लेंगे सभी लोग, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, मुख से ना, माउथ से।
उसके बाद देते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है कि श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है। तो जो यहाँ पे श्वेत रक्त ना, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड, उसका जो जीवन काल होता है ना, टाइम होता है, वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 13 से 20 दिन तक क्या होता है, इसका जीवन काल होता है। ओके, उससे बाद देते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है ना, जिसे बोलते हैं कि मनुष्य का जो सौंदर्य है ना, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर आपको सुंदर होना है, जो सौंदर्य है ना, उस अध्ययन को पढ़ना पड़ेगा। तो जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, मतलब केलोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केलोलॉजी, इसे ही बोलते हैं मनुष्य के सौंदर्य का अंदर अध्ययन। ओके, उससे बाद देते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है। तो यहाँ पे जो हेल्थी पर्सन है ना, जो उसका रिस्पिरेशन रेट होता है, वो कितना होता है, लगभग है ना, लगभग कितना होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 16 से 18 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 16 से 18 बार क्या करता है, वो सांस लेता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक हेल्थी पुरुष है ना, एक हेल्थी पुरुष, अगर कोई एक हेल्थी पर्सन है ना, वो क्या करता है कि 16 से 18 टाइम तक क्या करता है, प्रति मिनट, मतलब हर एक मिनट में क्या करता है, 16 से 18 टाइम तक क्या करता है, वो ब्लड, वो सांस लेता है। ओके, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन अगला, कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। ठीक ना, तो ये आपको बताना है कि जो मानव का बॉडी होता है ना, ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें सबसे स्ट्रांग बोन कौन सी होती है, तो ये बताना है आपको। ओके, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब जांग की हड्डी, फीमर। ठीक है ना, जो ये ऐसे होता है, इस टाइप से होता है, जो आपके आपके पैर में होता है, ये इस टाइप से होता है। ओके, सॉरी, ये ऐसे होता है, मैं इसको बनाता हूँ एक बार, ये ऐसे होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये जो ये आपका पैर है ना, तो ये जो आपका पोर्शन ना, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थिक, मतलब जांग की हड्डी। ये वाली हड्डी क्या होती है, सबसे स्ट्रांग होती है ह्यूमन बॉडी में। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो रक्त की जो मात्रा होता है ना, वो पूरे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 7%। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मानव शरीर का उत्तकों का निर्माण कैसे होता है, जो ह्यूमन बॉडी में ना जो टिश्यू होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये बताना है। जो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, दूसरा क्या है, वसा, और तीसरा हमारे पास क्या है, कैल्शियम, उसके बाद हमारा डी वाला क्या है, ऑक्सीजन। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है, हमारा जो टिश्यू है, जो जितने भी उत्तक है ना, उत्तक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टिश्यू बोलते हैं, जितने भी टिश्यू है ना, वो क्या होते हैं, बनते हैं प्रोटीन से। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 का, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है ना। तो ये सबको पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, जो यूरिया होता है ना, वो उसका जो स्मेल आता है, वो किस टाइप से आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, वो दिया है फास्फोरस के कारण, ठीक है, और क्या दिया है, पोटेशियम के कारण, यूरिया के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूरिया के कारण क्या होता है, जो ह्यूमन का यूरिया होता है, वो क्या होता है, स्मेल करता है। ओके, उसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होता है, NH3 होता है, अमोनियम होता है, अमोनिया होता है। ओके, तो इस टाइप से कुछ होता है, ताकि जो क्या करता है, बहुत ही खराब स्मेल करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए की आकृति को क्या बोलते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन क्या है, डीएनए की जो आकृति है ना, उसे हम क्या बोलते हैं ना। तो पहली बात तो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, डिऑक्सी राइबो RIBO, उसके बाद होता है न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना, ये क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि डीएनए की आकृति का क्या बोलते हैं ना, जो इसका साइज होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, डबल हेलिक्स, क्या बोलते हैं उसको, डबल हेलिक्स बोलते हैं। ओके, ये आपको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्या है, एपिडर्मिस की कितने परतें होती है ना, एपिडर्मिस की कितने परतें होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ये एपिडर्मिस है ना, उसका जो परत होता है ना, वो कितना होता है, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो एपिडर्मिस है ना, उसके क्या होते हैं, उसके जो 5 लेयर्स होते हैं। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है कि मानव जो शरीर है, उसमें सबसे कमजोर हड्डी वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हसली की हड्डी, क्या हो जाएगा, हसली की हड्डी। ये क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, कि आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है, ठीक ना, क्या बोला है कि आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है, लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
क्या हो जाएगा? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? ये ऐसे होता है। कहाँ पे होता है मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ कि कॉर्निया कैसे होता है। इसको मानते हैं ये हमारा आई है, ओके। तो कॉर्निया क्या कहाँ होता है? कहीं आपकी यहाँ पे होता है, ये आपका प्यूपल हो गया, और यहाँ पे तो कहीं भी जो आपका होता है ना कॉर्निया, वो आपका पीछे होता है जहाँ पे क्या होता है इमेज को, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो इस टाइप से कुछ होता है हमारा कॉर्निया, जो आँख की स्ट्रक्चर बनावट होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है कि लाल रक्त कणिकाएं जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स मुख्यतः कहाँ बनती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्या है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसको हमें बताना है। जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपको दिया है यकृत, ग्रशनी, तिल्ली, पेरिसिस्ट, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण? यकृत में होता है, ओके। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ना यहाँ पे कहते हैं रहेगा, ठीक है। जो मनुष्य के शरीर में खून का जो प्योरिफिकेशन होता है ना, शुद्धिकरण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो उसका प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसे क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन की बॉडी में जो भी ब्लड है उसको निकाल के ना, जो उसको ह्यूमन की बॉडी में जो खराब ब्लड है उसको निकाल के उसमें नए ब्लड को वो इंजर करते हैं, ओके। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। अक्सर ये होता कैसे है, जब भी जब हम क्या करते हैं कि ज़्यादा हम वो क्या करते हैं, वाइन पी लेते हैं ना, ज़्यादा स्मोक कर लेते हैं, इस टाइप से क्या होता है कि जो जो क्या होता है, ब्लड क्या होता है वो खराब होने लगता है। इससे ब्लड क्या होता है हमारा? ब्लैक होने लगता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड धीरे धीरे खराब होने लगता है। और जब हम इसको निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं एक अच्छे ब्लड से, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रक्त अपोहन बोलते हैं, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायलिसिस बोलेंगे, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? ये बताना है आपको, जो मानव के शरीर है ना उसमें सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समान व्यक्ति के रक्त में औसत का पीएच मान कितना होता है? ठीक ना, क्या बोला है कि एक सामान्य कोई व्यक्ति है ना, जिसका जो रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, ये बताना है आपको, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.35 से लेके7.45 से लेके 7.45 पीएच तक होता है। अगर एक हेल्थी पर्सन है, कॉमन पर्सन है, हेल्थ पर्सन मतलब सबसे अच्छा पर्सन, हेल्थी पर्सन जो कभी भी कोई स्मोक ना करे, ओके, ज़्यादा टेंशन ना ले, मतलब हर तरीके से वो क्या हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, ओके, कुछ भी वो